तो आज इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D के शहर पे अटैक कर दिया है सायरन हेड ने, और ये सायरन हेड हमारे इस पूरे शहर को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। और ये देखो यहाँ पे सायरन हेड कितना ज्यादा गुस्से में लग रहा है, और ये सायरन हेड हमारे फ्रैंकलिन को जान से मारना चाहता है। लेकिन आखिर सायरन हेड फ्रैंकलिन को जान से क्यों मारना चाहता है? ऑलराइट गाइस, तो अभी आप देख सकते हो कि मैं यहाँ कंस्ट्रक्शन एरिया पे हूँ, बिकॉज आज यहाँ पे मेरा कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम चल रहा था। दरअसल हुआ ये है कि मैं ना इस पूरे शहर के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम करवाता हूँ, और अभी आप ये जो पूरा एरिया देख पा रहे हो, इस पूरे एरिया की कंस्ट्रक्शन करना मेरी जिम्मेदारी है, और इसीलिए आया था मैं यहाँ पे देखने के लिए। बिकॉज देखो मैंने यहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स को लगाया हुआ है, लेकिन यार बहुत सारी शिकायत आ रही थी कि वो वर्कर्स अच्छे से काम नहीं करते हैं। और जैसे ही मुझे ये बात पता चली कि भाई जिन वर्कर्स को मैंने यहाँ पे काम पे रखा हुआ है भाई वो ढंग से काम ही नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मैं आ चुका हूँ यहाँ पे देखने के लिए। और यार मैंने ना इस पूरे के पूरे कंस्ट्रक्शन एरिया को अच्छे से देख लिया है, एंड यार जिसने भी ये बात कही थी ना कि हमारे वर्कर्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं भाई, उसने बिल्कुल सही कहा था। क्योंकि यार मैंने पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन एरिया अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है, और जितनी चीजों को अब तक कंप्लीट कर देना चाहिए था भाई अभी तक वो कंप्लीट है ही नहीं, उसमें सिर्फ थोड़ा बहुत काम हुआ है। और भाई मैंने कहा था कि मैं इस पूरे प्रोजेक्ट को इस महीने की स्टार्टिंग में ही खत्म कर दूंगा, लेकिन फिलहाल महीने का एंड होने वाला है और अभी तक इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। और फिलहाल मेरे जो वर्कर्स हैं वो रहते हैं विलेज एरिया की साइड पे, इसीलिए मैं जा रहा हूँ विलेज एरिया पे ताकि मैं उन सारे के सारे वर्कर्स से मिल सकूं, उनसे बात करूं और उनसे पूछूं कि भाई तुम लोग काम क्यों नहीं कर रहे यार, मैंने उन्हें इतने अच्छे पैसे दिए, भाई टाइम से उनको पूरे पैसे मिल जाते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने पूरा का पूरा काम डन नहीं किया, इसलिए मैं जा रहा हूं इनसे बात करने के लिए। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि फिलहाल मैं कंस्ट्रक्शन एरिया पे पहुंच चुका हूं, लेकिन यार यहां पे आने से क्या होगा अभी तो मुझे ये भी नहीं पता है कि वो वर्कर्स रहते कहां हैं। मैं एक काम करता हूं, अपनी बाइक को यहां पे पार्क कर देता हूं और यहां से अंदर चल के देखता हूं कि भाई वो कहां है। जहाँ तक मुझे याद है भाई वो सभी के सभी इस विलेज एरिया के स्टार्टिंग में ही कहीं रहते थे, बट अभी मुझे उनका घर अच्छे से याद नहीं है, मैंने बस ऐसे ही पूछा था तो मुझे उतने अच्छे से पता नहीं है। बट एक सेकंड भाई, ये क्या इस विलेज एरिया के अंदर में यहाँ पे सायरन हेड है? भाई निकलो जल्दी यहाँ से, और ये गायब कहाँ हो गया यार? अभी तो मैंने यहाँ पे सायरन हेड देखा था भाई, विलेज एरिया के अंदर सायरन हेड है, जल्दी निकलना पड़ेगा इधर से। जल्दी से अपनी इस वाली बाइक को उठाता हूँ और निकलता हूँ यहाँ से। भाई साहब मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एरिया से यहाँ पे विलेज एरिया के अंदर आया, और यहाँ पे देख रहा हूँ भाई सायरन हेड है यार। यहाँ पे मैं आया था अपने वर्कर से मिलने के लिए, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई भी वर्कर नहीं दिखाई दिया, लेकिन भाई यहाँ पे मुझे एंटर करते ही सायरन हेड दिख गया। भाई जल्दी से मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, बिकॉज भाई ये सायरन हेड बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, अगर उन्होंने मुझे मार दिया ना भाई फिर रिकवर करने में बहुत टाइम लग जाएगा। अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, रिकवर करने में टाइम वाइम नहीं लगेगा भाई, मैं सीधा खत्म हो जाऊंगा, क्योंकि ये सायरन हेड बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। इसीलिए फिलहाल मैं जा रहा हूँ अपने घर की तरफ, और मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई विलेज एरिया में ये सायरन हेड क्या कर रहे हैं। भाई वहाँ पे तो कितने सारे लोग रहते हैं, गाँव है भाई, लेकिन वहाँ पे सायरन हेड कहाँ से आ गया यार? अब मैं क्या करूँ भाई, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। एक तो भाई हमारे कंस्ट्रक्शन एरिया के अंदर ये वर्कर्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, ऊपर से भाई जब मैं उनको पकड़ने के लिए विलेज एरिया पे गया तो भाई वहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, वहां पे सायरन हेड। अभी मैं क्या करूं मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए फिलहाल मैं जा रहा हूं अपने घर के अंदर, और घर के अंदर जाके कुछ बढ़िया सा प्लान करते हैं, बिकॉज सायरन हेड को भगाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा यार। अभी मैं सोच रहा हूं कि भाई क्यों ना हम फिर से आरजेस टूल का हेल्प करें, बिकॉज देखो तुम सबको पता है कि आरजेस टूल हमारी हमेशा मदद करता है जब भी हम बुरी सिचुएशन में होते हैं। और देखो ये बात तो पूरी श्योर है कि अगर हम आरजेस टूल से हेल्प लेते हैं तो भाई वो डेफिनेटली हमारी हेल्प करेगा, और अभी फिलहाल हमें हेल्प की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि भाई क्यों ना मैं आरजेस टूल की हेल्प लूँ, इसीलिए मैंने आरजेस टूल के अंदर हेल्प टाइप कर दिया है, और देखते हैं कि भाई आरजेस टूल हमारी क्या हेल्प करता है, हेल्प करता भी है या फिर नहीं करता। बट एक सेकंड भाई, यहाँ पे मैं हेल्प करने की बात ही कर रहा था, लेकिन फिलहाल तो भाई इस आरजेस टूल ने मुझे ये कहाँ रख दिया यार। यार मैंने तो बस आरजेस टूल से हेल्प मांगी थी कि भाई मैं खराब सिचुएशन में हूँ, मेरे शहर के ऊपर अटैक कर दिया है सायरन हेड ने, मुझे हेल्प चाहिए, और भाई ये इसने मुझे कौन सी जगह पे ला के रख दिया यार, मैं क्या करूँ भाई। एक काम करता हूँ, इसे क्रॉस ही करता हूँ, बिकॉज और कोई ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास, तो इसे कंप्लीट करने का ट्राई करते हैं, हो सकता है कि जब हम इसे कंप्लीट कर दें उसके बाद हमारी कोई ना कोई हेल्प होने वाली हो। क्योंकि यार आज तक मैंने जब भी आरजेस टूल से हेल्प मांगी है भाई, हमेशा आरजेस टूल किसी तरीके अतरंगी काम करवाता है, और आज भी हमसे कुछ ऐसा ही करवा रहा है, हमें इस पूरे के पूरे रास्ते को क्रॉस करना है, और भाई जब हम इस पूरे रास्ते को कंप्लीट कर देंगे तो भाई पक्का हमारी आरजेस टूल कोई ना कोई मस्त सी हेल्प जरूर करेगा। वेल अभी देखो सामने यहाँ पे ये कंटेनर बड़ा सा रोटेट कर रहा है, एक काम करता हूँ भाई यहाँ पे थोड़ा वेट करता हूँ, और जैसे ये कंटेनर सीधा होगा उसके बाद यहाँ से निकल चलेंगे। ऑलराइट भाई, तो ये कंटेनर सीधा हो चुका है, और फिलहाल मैं यहाँ से आगे निकलने का ट्राई कर रहा हूँ, और जहाँ तक मुझे लगता है कि आगे से मुझे जंप तो नहीं करनी है। हाँ भाई मैं सही था, यहाँ पे हमें जंप तो नहीं करनी थी। ऑलराइट भाई, यहाँ पे एक गड्ढा था, ओके उससे बचते हुए हम यहाँ से आगे निकल चुके हैं। अभी यहाँ पे दो चक्के टाइप का क्या लगा हुआ था भाई, इससे मैं बच के आगे निकल गया, और यहाँ पे कई सारे कंटेनर्स हैं, तो फिलहाल मुझे यहाँ पे बहुत ही ध्यान से आगे जाना पड़ेगा, बिकॉज ये कंटेनर्स के चक्कर में कई बार हम नीचे गिर जाते हैं, और मुझे नीचे नहीं गिरना भाई, मुझे तो कंप्लीट करना है इस पूरे के पूरे ट्रैक को। ऑलराइट भाई, तो फिलहाल हम इसके ऊपर आ चुके हैं, मुझे ध्यान से ऊपर जाना है।
आगे भाई क्या होता है ना कि हम ऊपर जाने का ट्राई करते हैं या फिर नीचे आने का ट्राई करते हैं और रास्ते में क्या होता है ना, गड्ढा पड़ा होता है तो उसके चक्कर में हम नीचे गिर जाते हैं। बट आज ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं बहुत ही आसानी से ऊपर आ चुका हूँ। अभी फ़िलहाल भाई यहाँ रास्ते में हमें कितने सारे टर्बो फैंस मिल रहे हैं, और अच्छी बात तो यह कि मैं इन सारे के सारे टर्बो फैंस से आसानी से बचते हुए आगे निकल जा रहा हूँ। ओके भाई, यहाँ पे कितने सारे टर्बो फैंस थे, मैंने इन सबको क्रॉस कर दिया है। अभी तो मैं काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर रहा हूँ यार इस पूरे के पूरे ट्रैक को। भाई मुझे लग रहा था कि मैं इसे अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा, इसे कंप्लीट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं तो इसे बहुत ही तेज़ी से बहुत ही मस्त तरीके से क्रॉस कर रहा हूँ, मुझे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ऑल राइट, तो अभी यहाँ पे इस कंटेनर पे जंप करते हैं। ओके, यहाँ नीचे मैं आ चुका हूँ। अभी मुझे देखो पतला सा रास्ता है, यहाँ से मुझे बहुत ही ध्यान से आगे जाना है। ऑल राइट भाई, तो यहाँ पे कितने सारे ब्रिक्स लगाए गए हैं तो मुझे इनसे भी बचते हुए आगे निकलना पड़ेगा। भाई इसको लगाने की कोई ज़रूरत थी नहीं वैसे। और एक सेकंड भाई, राइट साइड में जाना देखो तो मुझे लगता है कि वो है एंडिंग और हमें वहाँ जाना है। भाई अभी तो बहुत ज़्यादा रास्ता बचा है यार। भाई मैं सोच रहा हूँ कि मैंने इस पूरे के पूरे ट्रैक को लगभग 60-70% तो क्रॉस कर ही दिया है। वैसे मुझे लगा कि 90% कर दिया हूँ, बट ऐसा कुछ है नहीं, अभी बहुत ज़्यादा रास्ता बाकी है। बट हाँ, अभी मैं जिस स्पीड से कंप्लीट कर रहा हूँ, अगर मैं इसी स्पीड से इसे कंप्लीट करूँगा फिर तो मैं बहुत जल्दी से मैं इसे कंप्लीट कर सकता हूँ। उसके बाद मैं आसानी से इसके एंडिंग में पहुँच जाऊँगा। और यार इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अभी मुझे ये बात पता भी नहीं है कि हमें इस पूरे के पूरे ट्रैक को कंप्लीट करने के बाद जब हम इसकी एंडिंग में पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर हमें मिलने क्या वाला है। भाई मैं तो बस ऐसे ही आरजे शुल से हेल्प मांगा था और आरजे शुल मुझे यहाँ पे भेज दिया, और आरजे शुल ने मुझे बताया भी नहीं कि भाई वो हमारी कैसी हेल्प कर रहा है, मुझे आगे जाके क्या मिलने वाला है, मुझे कुछ नहीं पता है। बस मैं इसे कंप्लीट करने में लगा हूँ और मुझे लगता है कि मैं इसे कंप्लीट कर भी दूंगा। चलो भाई जल्दी से इस वाले कंटेनर को भी क्रॉस कर देते हैं। अरे अरे ये क्या भाई, आगे निकलना। अरे यार पीछे जाने का ट्राई करता हूँ। भाई ये क्या हो गया। ओके भाई पीछे तो आ गया मैं पीछे से। ओके भाई ध्यान से जंप करते हैं। अरे यार शिट यार, मैं कितने अच्छे तरीके से पीछे आया था लेकिन वहाँ पे मैं फेल हो गया। कोई ना भाई, अभी इसको सीधा होने देते हैं, उसके बाद यहाँ से आगे निकलते हैं। ऑल राइट, तो अभी ये सीधा हो चुका है, अभी यहाँ से आगे निकलते हैं। ओके भाई यहाँ पे देख सकते हो कितना पतला रास्ता है, तो मुझे इस पतले रास्ते से भी बहुत ही ध्यान से आगे जाना पड़ेगा। ऑल राइट, तो फिलहाल वो ब्रिक्स वापस से आ चुके हैं तो मुझे इस बार भी यहाँ बहुत ही ध्यान से आगे जाना पड़ेगा। भाई आगे जाऊँगा ना तो आगे जाके एक कंटेनर है भाई, उसने मुझे पिछली बार परेशान कर दिया था। ओके चलो यार, ये कंटेनर फिर से नहीं यार, फिर से हो गया मेरे साथ। बट कोई ना, मैं दोबारा से आ चुका हूँ भाई वहीं पे। ये क्या हो रहा है, मैं बार बार नीचे गिर जा रहा है यार। बट कोई ना, इस बार ध्यान से जाऊँगा। और चलो भाई जल्दी से वाले कंटेनर पे जाते हैं। ओके, सामने यहाँ पे एक और टर्बो फैन है भाई, वो हमें परेशान कर सकता है लेकिन हमें ध्यान से जाना है भाई, वो हमारा कुछ नहीं करेगा अगर हम ढंग से जाएंगे तो। ओके यहाँ पे एक पतला रास्ता है तो इस पतले रास्ते में भी बहुत ही आराम चलते हैं, और ये कंटेनर से बचते हुए, सॉरी ये टर्बो फैन से बचते हुए। ऑल राइट चलो इस पे जंप करते हैं, और फिर ये पतला रास्ता आ चुका है, अब इस पर बहुत ही ध्यान से जाते हैं। यहाँ पे देखो भाई कितने सारे डस्टबिन्स लगाए गए हैं। भाई ये रास्ता अजीब है, ऊपर से यार इस रास्ते के बीच में क्या क्या चीज़ें रखी हुई है, मतलब डस्टबिन है, कभी बड़े बड़े ब्रिक्स वगैरह लगाए गए हैं, और अभी ये देखो टर्बो फैन के पास में गड्ढा कौन करता है यार। शर्ट भाई अब मैं क्या करूँ। ओके चलो यार, यहाँ पे मैं जंप करके ऊपर तो आ चुका हूँ, अभी फिलहाल मुझे यहाँ पे एक दूसरी बाइक स्पॉन करनी पड़ेगी। ऑल राइट, तो फिलहाल मेरे पास यहाँ पे दूसरी वाली बाइक आ चुकी है और अभी मैं यहाँ से आगे निकलने का ट्राई करता हूँ। ओके चलो यार, ये वाली जंप तो काफ़ी अच्छी थी। ऑल राइट, तो मैं यहाँ से आगे निकल सकता हूँ। ओके भाई, तो ये वाला क्या ही मस्त तरीके से मैं यहाँ से आगे निकला। ओके भाई ये कहीं मैं नीचे न गिर जाऊँ। ओके चलो, बचते हुए उससे भी आगे आ चुका हूँ, अभी मुझे बहुत थोड़ा सा रह गया तो बहुत ही ध्यान से कंप्लीट करना है इसे। ओके भाई चलो, सामने यहाँ पे टर्बो फैन है तो इससे बचते हुए यहाँ पे हम लेफ्ट साइड में चलते हैं। ऑल राइट, तो अभी यहाँ पे कितने सारे ड्रायर यहाँ पे क्या है कंटेनर्स लगाए गए हैं। ओके चलो यहाँ पे ध्यान से जाएंगे। भाई यहाँ पे ट्री वगैरह है तो इनसे बचते हुए जाना पड़ेगा, बिकॉज ये ट्री बहुत परेशान करते हैं यार, इन ट्री के चक्कर में ना कई बार गिर जाते हैं हम यहाँ पे। बट कोई ना, मैं बहुत ही ध्यान से जाऊँगा, मैं इन ट्री से बचते हुए आराम आराम से चलूँगा। ऑल राइट, तो मैंने इन सब ट्रीज को भी क्रॉस कर दिया है। ओके अभी भाई मैं पहुँचने वाला हूँ एंडिंग में, अभी आपको सामने इसकी एंडिंग दिखाई दे रही होगी। अभी मुझे बस यहाँ से ध्यान से नीचे जाना है और जाके फिनिश लाइन के पास जंप करना है। अरे यार मैं अभी फिनिश लाइन में जंप कर रहा था लेकिन ये जंप थोड़ी सी फेल हो गई, मैं पेड़ के ऊपर टकरा गया। बट कोई ना, फाइनली मैं आ चुका हूँ उसकी एंडिंग पे, यानी कि फिनिश लाइन पे। ओके, तो अभी मैं इसकी एंडिंग पे तो आ चुका हूँ लेकिन अभी ये देखना बाकी है कि हमें यहाँ पे मिलने क्या वाला है। ऑल राइट, तो यहाँ पे मुझे एक ड्रिंक पिला है, मैं जल्दी से इसे पी लेता हूँ। ओके, तो यार ये देखो, मैंने जैसे इस वाले ड्रिंक को पिया भाई, मैं बन चुका हूँ एक जाइंट स्क्रिबिडी टॉयलेट मैन, और फिलहाल मैं जा रहा हूँ कहाँ, एयरपोर्ट की तरफ। और यार मुझे तो विलेज एरिया पे जाना था लेकिन ये क्या भाई, यहाँ विलेज एरिया पे नहीं एयरपोर्ट पे है ये सायरन हेड। ओके देखते हैं क्या होता है। पर ये क्या भाई।